ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै विश्वगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिते नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे कृष्ण। हम लोग दूसरे अध्याय पढ़ रहे हैं श्रीमद्भगवद्गीता। टाइटल है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो समरी फॉर्म में प्रभुपाद जी ने सारा गीता इस चैप्टर में दिया है। इसका एक्रोनिम है गीता, जी फॉर गुरु। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में क्राइसिस आती है, सबसे पहले गुरु का शरण लेता है। तो शुरू के 10 श्लोक, 1 से लेके 10 तक, जो आज कवर हो जाएगा, पहला थीम आई फॉर आइडेंटिटी। तो गुरु सबसे पहला ज्ञान क्या देता है कि जीव का स्वरूप क्या है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो 11 से लेके 30 तक जो श्लोक है उसमें भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। फिर जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन आत्मा इस शरीर में है, तो हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं। तो टी फॉर टाइप्स ऑफ धर्मा, और या 2 टाइप्स ऑफ धर्मा। एक जिम्मेदारी शरीर के प्रति, एक जिम्मेदारी आत्मा के प्रति। तो 31 से लेके 53 तक ये 2 टाइप्स ऑफ धर्म। 31 से 38 स्वधर्मा, जो शरीर का धर्म है। 39 से 53 सनातन धर्म, जो आत्मा का धर्म है। और 54 से लेके 72 तक आत्माराम, जो ये दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से करता है, तो वो क्या है, आत्माराम बन जाएगा। आत्माराम मीन्स वो फिक्स हो जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो है 2.54 72 तक। तो भी आज हम लोग 6 से लेकर 10 तक ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। न चाहे तत्कतरन्नागरियो यदवा जय यदिवानो जय ज्ञाने महत्वा निर्जीव श्यामा ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि तां धर्म समूलचेता यश्रेयासा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्न नहि प्रपश्यामि ममापुनद्या यशोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणा अवाप्य भूमावस्वत्नमरद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशापरन्तप नायोत्सिति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन्नव भारत सेनयोर्भियोर्मध्ये विषीदन्तं निलम्बचः। तो कलम ने देखा था किस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं, मैं अपने गुरुओं पे, ये जो महान भावन गुरु नहत्वा ही महान भावन, ये जो मेरे गुरु हैं, बहुत महान लोग हैं, भीष्म है, द्रोण है, इन पे मैं शस्त्र नहीं चला सकता। फिर 6वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं है कि इन पे हमको जीतना, इनको हम जीतेंगे या हम हारेंगे, ये हमको मारेंगे या हम इनको मारेंगे। तो 6वें श्लोक में अर्जुन अपना इनडिसीजन कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अर्जुन को समझ में आता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो 7वें श्लोक में भगवान को शरणागत हो जाते हैं, अर्जुन एक्सेप्ट कर लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, अर्जुन बोलते हैं कि मैं इस कृपणता के दोष से
ओवरकम हो गया हूँ, मैं जो क्षत्रिय मेरा स्वभाव है अपहत स्वभाव वो चला गया। धर्म संपूर्ण चेता मेरी बुद्धि धर्म क्या है इसमें भ्रमित हो गई है। यश श्रेयम जो भी मेरे लिए श्रेय हो निश्चित हम ब्रूहि तन्मे निश्चित करके आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम मैं अब आपका शिष्य हूँ, मैं आपका मित्र नहीं हूँ मैं आपका शिष्य हूँ। शायद आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। माम त्वाम प्रपन्नम मैं आपको शरणागत होता हूँ। अब जब अर्जुन ने ये सातवां श्लोक बोला है तभी भी भगवान कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन बोल रहा है मैं आपका शिष्य हूँ आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो भगवान कुछ बोल नहीं रहे। भगवान बोल नहीं रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं अभी बोल रहा है अर्जुन ऐसा, लेकिन अभी एक बार इसको राज्य वगैरह मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। युद्ध में अगर जीत जाएगा राज्य मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा तो इस कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर जो आठवां श्लोक बोलते हैं सातवें श्लोक को पुनर्स्थापित करने के लिए, सातवें श्लोक में उन्होंने जो बोला है उसकी गंभीरता को बताने के लिए आठवां श्लोक बोला। आठवां और इसके आगे नौवां भी आएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं लेकिन हम उसको सीरियसली मीन नहीं करते हृदय से। हाँ हृदय से मीन नहीं करते, तो कभी कभी भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं भगवान आप जो करना है कर लीजिए, आप हमको अपनी शरण में रखिए, लेकिन वो बहुत हार्ड से नहीं करते। और सडनली भगवान ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया लाइफ में तो हम वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं भगवान इतना सब चेंज मत कीजिए, स्टेबल स्टेबल में ही आपके पास बुलाइए, परिस्थितियों को स्टेबल रखिए। तो भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान तो सब ले लेते, तो बलि महाराज पर विशेष कृपा हो गई थी। तो कौन है जो हृदय से भगवान के पास जाके बोल सकता है आप यू टेक एवरीथिंग माय डियर लॉर्ड, तो सब तो आपका ये सब ले लीजिए आप जो करना है कर दीजिए। हो सकता है कभी कोई ये बोलते लेकिन हृदय से नहीं बोलते, हृदय से बोल दिया भगवान कर देंगे, तो थोड़ा सा ही भगवान उसका पहला इंस्टॉलमेंट देंगे उतने में व्यक्ति डर जाता है और बोलता है आप इतना मत कीजिए थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे अर्जुन ने बोल दिया है शरणागत हो गया हूँ मैं आपका, भगवान बोलते हैं अरे इतना ऑलरेडी इतना डायलॉग है फर्स्ट चैप्टर में, इतना सब कुछ इसने बोला है पता नहीं है सही बोल रहा है क्या वो। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं नहीं प्रपश्यामि मैं देख नहीं रहा हूँ, यद मम शोकम आपुयात मेरा जो माम शोक मेरा ये जो शोक है ये कैसे जाएगा, कौन मेरा ये शोक दूर कर सकता है। उच्चोषणम इंद्रियाणाम मेरी जो इंद्रियां हैं सूख रही हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अरे एक बार युद्ध में विजय होगी साम्राज्य मिलेगा सब शोक चला जाएगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि अवाप्य भूमाभ अस्पत्नम अरत्नम, अवाप्य अगर मुझे प्राप्त हो जाए सपोज मैंने युद्ध किया युद्ध पे मैं जीत गया, जीतने के बाद मुझे भूमि का राज्य मिल गया, आस्पतनम रद्धम प्रॉस्पेरस अनराइवल्ड किंगडम सुराणाम आपिचा आधिपत्यम, और जो देवताओं का तक राज है पृथ्वी का नहीं उसके ऊपर भी मुझे राज्य मिल गया, देवताओं का भी आधिपत्य मिल गया। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान ये युद्ध जीतने से भी मेरा अभी मेरा प्रॉब्लम है ये डीप हो गया है, ये प्रॉब्लम युद्ध का नहीं है ये राज्य का नहीं है। तो अगर कोई राजा युद्ध करता है तो बेस्ट आउटपुट उसका क्या हो सकता है, उसकी सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि वो युद्ध में जीत जाएगा, यही कंडीशन हो सकती है। तो जीतेगा तो उसको राज्य प्राप्त होगा। अब लेकिन क्या है कई बार व्यक्ति को राज्य प्राप्त होता है लेकिन जो शत्रु हैं वो निरंतर आक्रमण करते रहते हैं, तो राजा को राज्य तो मिल जाता है वो बेचारा लेकिन दुखी ही रहता है क्योंकि कोई ना कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है एक के बाद कोई आक्रमण कर रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मुझे राज्य प्राप्त हो गया कंडीशन नंबर वन, और उसके बाद ऐसा राज्य प्राप्त हुआ जो अनराइवल्ड है, आस्पत्नम आस्पत्नम का मतलब कोई शत्रु नहीं, निष्कंटक ऐसा राज्य कोई शत्रु नहीं। अब सपोज
किसी को कोई राज्य मिल गया और कोई शत्रु भी अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन राज्य कैसा है, वो खांडव प्रस्थ की तरह है, वो बंजर भूमि मिली है उसको, वहां पे कुछ उगता ही नहीं, ऐसा राज्य है, तो उस राज्य का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं रद्दम, इफ आई गेट अनराइवल्ड प्रॉस्परस किंगडम, ऐसा राज्य, पहले तो राज्य मिले, राज्य ऐसा मिले कोई शत्रु ना हो और जो राज्य हो समृद्धशाली हो। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध के बाद जो सबसे आइडियल कंडीशन हो सकती है, सबसे आइडियल कंडीशन, हाँ, वो भी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी, ये अर्जुन बताना चाहते कि जो सबसे आदर्श स्थिति है। और यहाँ तक भी अर्जुन बोल रहे हैं, ये पृथ्वी का तो छोड़िए, सुराणाम आपि चाधिपत्य, मगर मुझे देवताओं का भी राज मिल जाए। देखिए जीवन में, लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका मटेरियल सलूशन नहीं, मटेरियल लेवल पर उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। यही अर्जुन यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मटेरियल पे मेरे प्रॉब्लम जो है सलूशन नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप सोच रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं कि भगवान ये सोच रहे हैं, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं, सातवें श्लोक में अर्जुन शरणागत हो गए, भगवान बोल रहा है अर्जुन से, भगवान सोचते हैं कि अरे तुम्हारा तो मेरे साथ मित्र का रिलेशन है, ये कोई और कोई गुरु हो गए, वेदव्यास होंगे, उनको शरणागत हो जाओ। तो अर्जुन ये बोलते हैं कि भगवान ये पूरे तीनों लोग में मुझे कोई ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि जिसको मैं शरणागत हो जाऊं, और बृहस्पति भी मुझे मिल जाए, अगर मुझे स्वर्ग भी चला जाऊं, स्वर्ग में मुझे बृहस्पति भी मिल जाए, तभी मेरा जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगा। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो सूख रही हैं, और क्यों सूख रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कष्ट है अर्जुन, इमोशनली बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली अर्जुन को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इमोशनली बहुत प्रॉब्लम। तो अर्जुन बोलते हैं कि, तो भगवान बोलते हैं कि लेकिन अगर तुम युद्ध करोगे, ये राज मिलेगा तो तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। तो अर्जुन बोलते हैं अगर मुझे राज मिल गया पूरी पृथ्वी का, स्वर्ग का भी, कभी भी मेरा एक कष्ट नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजिशन एटसेट्रा, और ऑल हरी बोल। हाँ जी, ब्रू जी का ही वीडियो चला गया। हाँ, ब्रू जी का नेट प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। सॉरी, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में कि अकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन आर यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कि जो भी भौतिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में ये इनके इनकी शक्ति नहीं है। तो हम देखते हैं लाइफ में जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं,
कुछ चीजें मनी से सॉल्व हो जाती है, कुछ चीजें फिजिकल स्ट्रेंथ से सॉल्व हो जाती है, कुछ चीजें कांटेक्ट से सॉल्व हो जाती है, लेकिन लाइफ में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो इनसे सॉल्व नहीं की जा सकती है। तो प्रभुपाद जी ने बताया उसके लिए हमको गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं वो गुरु कौन है, कीवा विप्र कीवा नासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो, वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहाई प्रपश्यामी, मैं देख नहीं रहा हूँ दूर दूर तक कि कोई भी मटेरियल चीज या मटेरियल सिचुएशन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो ये स्थिति है जब व्यक्ति गुरु का आश्रय वास्तव में ग्रहण कर पाता है, जब उसको ये समझ में आता है। इंडिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको गुरु करना है, हाँ गुरु करना है, हाँ इस तरह के, तो बहुत चीप लोग लेते हैं। लेकिन क्या है, वास्तव में गुरु का आश्रय व्यक्ति कब ले सकता है? तस्माद गुरुम प्रपद्येता, तस्माद मतलब देयरफॉर। ये देयरफॉर का तात्पर्य आचार्यों ने क्या बताया है, जब वो इस कंक्लूजन में आ गया है कि भौतिक संसार में मुझे भोग नहीं करना है, भौतिक संसार में कुछ इंजॉय नहीं करना है, मैं शरणागत होना चाहता हूँ क्योंकि इस भौतिक संसार में जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। जब उसको ये समझ आ जाता है, मेरी जो नॉलेज है, मेरे पास जो संपत्ति है, मेरी जो शक्ति है, ये सब व्यर्थ है जीवन के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में, तो तब वो एक गुरु के आश्रय को एक्चुअली सीरियसली ले सकता है। यहाँ पे बताया गया है हमारी जो एग्जिस्टेंस होती है 3 डायमेंशनल, तो एक तो फिजिकल लेवल, तो फिजिकल लेवल पे जो हमारे है उसको हमको प्रोटेक्शन चाहिए। फिजिकल लेवल का प्रोटेक्शन क्या है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिजिकल लेवल से और आगे जाते हैं तो आता है इमोशनल लेवल। तो जो इमोशनल लेवल है वो भी मटेरियल है, लेकिन इमोशनल लेवल पे चीजें और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो अगर फिजिकल लेवल पे उसको सारा चीज दिया हुआ है, सपोज कीजिए फिजिकल लेवल पे उस पर खाने के लिए है, रोटी कपड़ा मकान सब है, लेकिन अगर उसके रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाते हैं, हाँ तो वो क्या है, सब कुछ है लेकिन वो कुछ भी रिलिश नहीं कर सकता है क्योंकि इमोशंस अफेक्टेड है। तो इमोशनल लेवल पे चीजें ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज थे, चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ था, राजा थे, लेकिन उनको पुत्र नहीं था। तो वो बोलते हैं कि एवरी जो भी मेरी संपत्ति है ये सब कुछ है, इट्स लाइक अ गार्लैंड ऑफर टू अ स्टार्विंग मैन, वो लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, आपने उसको एक माला पहना दी, तो माला पहनाने से उसका भूख नहीं जाएगा क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे इशू है। जैसे कोई स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट में वो फेल हो गया, सारे सारे उसके फ्रेंड मजाक उड़ा रहे हैं। अब रिजल्ट आ रहा था तो घर में उसकी मदर ने, तो उसकी उसकी मम्मी ने आइसक्रीम बनाई है, उसको आइसक्रीम सबसे अच्छी लगती है। अब वो घर आता है, उसकी फेवरेट आइसक्रीम है, अब वो उसको रिलिश कर सकता है क्या उस दिन? नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि उसका रिजल्ट खराब हो गया। तो इमोशनल लेवल पे चीजें उससे ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो करेंटली जो अर्जुन है वो इमोशनल लेवल का इशू फेस कर रहा है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो फिजिकल लेवल है, वो राज्य को जीतना, ये करना, संपत्ति अर्जित करना, फिजिकल लेवल से इमोशनल लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। ये तीसरा लेवल होता है स्पिरिचुअल। तो हमारे जो इमोशन रहते हैं वो मटेरियल और स्पिरिचुअल के बीच में रहते हैं। तो जब हमारे इमोशन मटेरियल चीजों के लिए रहते हैं वो हमको वीक कर देते हैं, वही इमोशन जब हमारे स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल चीजों के लिए, कृष्णा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो इमोशंस हमको लिफ्ट करते हैं लाइफ में, अपसाइड लिफ्ट करते हैं। तो जो इमोशन है इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को भगवान के लिए भी इमोशन रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो पूरी तरह स्पिरिचुअल हो। शुरू में क्या है, केवल इमोशनल पार्ट रहता है, तो इमोशनल पार्ट रहता है तो भगवान के लिए भी वो इमोशन रहते हैं, वो इमोशन बाकी चीजों के लिए भी रहते हैं, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था। हाँ तो मूवी देखते हैं तभी भी उनको इमोशंस आ जाते हैं, भगवान को देखते हैं तभी भी उनको इमोशंस आ जाते हैं। तो जो रामायण रहता है तो रामायण में राम जी का वनवास हो रहा है तो वो रोने लगेंगे, और मूवी देखेंगे तो हीरो हीरोइन का विरह हो रहा है तभी भी रोने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्योरली स्पिरिचुअल इमोशन नहीं है। क्रिकेट मैच देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है तो भी रोने लगेंगे। तो शुरू में इमोशनल और स्पिरिचुअल ये क्या है, मिक्स रहता है।
इवेंचुअली इवेंचुअली जैसे व्यक्ति शुद्ध होता है उसका जो इमोशन है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे, ये बताते हैं कि इस संसार में अचीवमेंट के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि हमको फुलफिलमेंट मिले। अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं कि अचीवमेंट नॉट नेसेसरली विल ट्रांसलेट इनटू फुलफिलमेंट। तो अचीवमेंट तो हो रहा है अर्जुन का, इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फुलफिलमेंट जरूरी नहीं है कि उससे मिलेगा। क्यों? क्योंकि फुलफिलमेंट हमको किससे मिलता है? पर्पस से। तो हमारे जीवन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कार चला रहा है, तो कार चला रहा है तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए कार चलाने के लिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि कार अगर वो चला रहा है तो जहां वो ड्राइव कर रहा है उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो दो थिंग्स, फ्यूल फ्यूल विथ विच टू ड्राइव विथ एंड डेस्टिनेशन टू ड्राइव फॉर। तो अगर गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन उसको क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, तो एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पे जा रहा है, वहां पे गाड़ी में तेल भरवा रहा है, फिर आगे जा रहा है और अगले पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहा है, यही कर रहा है, फिर तीसरे पेट्रोल पंप में जा रहा है तेल भरवा रहा है, वो बोर हो जाएगा वो थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि मैं जीवन में करना क्या है, वो सिर्फ ड्राइव कर रहा है। इसी तरह से जो लाइफ में भौतिक जीवन में जो व्यक्ति है, जब उसका केवल उद्देश्य चीजों को अर्जित करना है, उसका उद्देश्य संपत्ति बढ़ाना है, ये करना है, चीजों को अर्जित करना है, तो फ्यूल तो डाल रहा है, फ्यूल तो बढ़ रहा है, लेकिन उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है तो उसको लगता है आगे क्या करना है, लाइफ में इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे हम देखते हैं, जो अर्जुन बता रहे हैं कि सक्सेस इन वन फील्ड, एक जगह व्यक्ति सक्सेसफुल है जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली सक्सेसफुल है। एक जगह व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, तो ए वन साइडेड सक्सेस डज नॉट लीड टू फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे अर्जुन ये एक लेसन बता रहे हैं कि सक्सेस इन वन फील्ड डजंट कंपनसेट द फेलियर इन अनदर फील्ड। तो अगर कोई व्यक्ति है किसी एक जगह पे वो कर रहा है, एक जगह पे सक्सेसफुल है, जैसे उदाहरण के लिए कोई PhD है, कोई PhD है, डबल PhD है, वो उसका अभी तीसरा मैरिज हो रहा है, या कोई नोबेल लॉरेट है, वो दो पैकेट सिगरेट पीता है रोज, तो है वो नोबेल लॉरेट, तो एक दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन सिगरेट वो दो पैकेट पीता है रोज। इसी तरह कोई PhD है, हाँ PhD है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उसका अभी तीसरा मैरिज हो रहा है, मतलब दो मैरिज उसके टूट गए, मतलब रिलेशनशिप में कहीं इशू है। तो हम इसी तरह देखते हैं बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन भी एक्चुअली फेलियर रहते हैं। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने स्कैम्स किए हैं, स्कैंडल्स किए हैं, एक तरह से तो सक्सेसफुल ही रहे हैं वो एक लेवल तक, जब तक वो स्कैम पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ पे एक फील्ड में सक्सेस दूसरी फील्ड के फेलियर को कंपनसेट नहीं करती है। जैसे कोई बहुत वर्क कर रहा है, कंपनी उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देती है, हाँ, लेकिन घर में है, वाइफ से उसका नहीं जमता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो ये मैं डिसबैलेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसे ही मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में भी इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए ये दोनों में ओवरऑल सक्सेस के लिए ये एक बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। तो इसके आगे अर्जुन भगवान को बोलते हैं, ये है कौन सा श्लोक है, 9th श्लोक है, संजय वाचा एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशा परंतपा नायोत्सिति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिं बभूवः एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं। इस प्रकार से उन्होंने, अर्जुन ने किससे बोला, ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान है, किसने बोला, गुणाकेशा परंतपा, गुणाकेश जो अर्जुन का एक नाम है, परंतपा जो एनिमीज को अफ्लिक्ट करने वाले हैं, उन्होंने क्या बोला, ना युद्ध इति गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तूष्णिम बभूवः, ऐसा बोल के वो शांत हो गए।
यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया है। गुड़ाकेश का मतलब है, तो गुड़ाकेश जो है वो ऋषिकेश से बोल रहे हैं। गुड़ाकेश मतलब जिन्होंने तमोगुण को या इग्नोरेंस को कॉन्कर कर लिया है, और ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई डू नॉट सी हाउ आई विल ड्राइव अवे द लेमेंटेशन थ्रू फाइटिंग। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध से मैं कैसे। तो अर्जुन वैसे तो परंतप हैं, वो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। वो गोविंदा से बोल रहे हैं, गोविंद मतलब जो वेदों को जानने वाले हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ना योत्स इति गोविंदा है, हे गोविंद, हे वेदों को जानने वाले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो संजय है ऋषिकेश शब्द के द्वारा, वो ये बता रहे हैं कि भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। तो अभी बोल रहे हैं अर्जुन की मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान अर्जुन को बुद्धि देंगे और उसको युद्ध में लगाएंगे, क्योंकि भगवान ऋषिकेश भी हैं और गोविंद भी हैं। गोविंद मतलब वो वेदों को जानने वाले हैं, तो वेदों को जानने के कारण भगवान अर्जुन को धर्म के बारे में बताएंगे। तो ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाता है। ये श्लोक बोल के संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा अर्जुन का डिप्रेशन, क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण है। इस तरीके से दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन के लिए यहाँ दो विशेषण यूज किए गए हैं, गुड़ाकेश और परंतपा। गुड़ाकेश मतलब जिसने स्लीप को जीत लिया है, कॉन्करर और स्लीप। तो अर्जुन ने तमोगुण को, इग्नोरेंस को जीत लिया है, लेकिन फिर भी अर्जुन जीव है और भगवान भगवान है। तो जो जीव होता है तो वो कभी भी तटस्थ होता है, तो मोह में पड़ जाता है। तो अर्जुन ने वैसे तो इग्नोरेंस को जीत लिया है, लेकिन दूसरा इग्नोरेंस उसके ऊपर आ गया है। तो इसीलिए, और अर्जुन के लिए यहाँ पे दो विशेषण यूज कर रहे हैं संजय, गुड़ाकेश और परंतप, जो जिसने कॉन्करर ऑफ स्लीप और शत्रुओं का दमन करने वाले। तो इतना शक्तिशाली जो अर्जुन है, तो यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति इतनी प्रभावशाली रहती है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने घुटनों पे ला देती है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो शत्रुओं का दमन करने वाला है, और कितना उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, और इंद्रियों पे उसका इतना संयम है कि उसने नींद को जीत लिया है, वो भी ऐसी असहाय अवस्था में आ गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तब अर्जुन की इस स्थिति को देख के भगवान बोलते हैं, तम उवाचा ऋषिकेशा प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हाँ, तो जो ऋषिकेश है प्रहसन्न इवा, भगवान प्रहसन मीन्स स्माइलिंग, इवा मीन्स एज इफ स्माइलिंग। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ पे अर्जुन रो रहा है, अश्रुकूण पुलेक्षणम, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और भगवान एकदम हंसने लगे। नहीं, जब अर्जुन बोले प्रहसन, भगवान स्माइल किए। इवा मीन्स एज इफ, मीन्स भगवान ने स्माइल को रोक लिया। तो मंद मंद, भगवान के दांत दिखे नहीं, एकदम माइल्ड स्माइल। तो इस तरह से इदम वाचो, और भगवान ने ये शब्द बोले, तम विषीदंतम, अर्जुन को इस तरह से डिप्रेस देख के सेनाओं के मध्य में। तो यहाँ इसके बाद, इस श्लोक के बाद एक्चुअली भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला है, अनारजुष्टम मास कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्वे समुपस्थितम। लेकिन उस समय भगवान ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, कोई एडवाइस नहीं दिया है, वो जस्ट अर्जुन को एक एनकरेज करने के लिए पैपटॉक दिया है कि कैसे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम कुंती के पुत्र हो, लेकिन कुछ एडवाइस नहीं दिया है। हाँ, अब यहाँ के बाद भगवान एडवाइस देंगे इस श्लोक के बाद, क्योंकि अर्जुन ने 2.7 में शरणागत हुए, 2.8 में बताया कि वो केवल डायलॉग नहीं बोल रहे हैं कि मैं सरेंडर होना चाहता हूँ, बहुत सीरियस हैं। अर्जुन बोल रहे हैं संसार की कोई भी चीज मुझे अभी संतुष्ट नहीं कर सकती है, आपकी शरण मुझे लेनी है। एडवाइस दे देता है, तो व्यक्ति क्या है, उसके लिए वो डिस्टरबेंस हो जाता है, असिस्टेंस नहीं रहता है। कोई व्यक्ति बहुत ठंडी जगह पे जा रहा है, आपने एक एक बैग भर के गर्म कपड़े उसको दे दिए,
अब लेकिन वो जा रहा है लेह लद्दाख जा रहा है, वहां बहुत ठंड है, और आपने कृपा करने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए कपड़े दे दिए गर्म बहुत, एक बैग भर के, लेकिन वो श्योर नहीं है, वो उसको कन्विक्शन नहीं है, वो कभी गया नहीं है लेह लद्दाख, तो उसको कन्विक्शन नहीं है कि वहां इतनी ठंड होती है, और आपने एक बैग भर के गर्म कपड़े दे दिए, तो एक कैसे लेगा आपकी हेल्प को, वो बर्डन की तरह लेगा, वो लेगा अरे मुझे अभी एक बैग उठाना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा, ऐसा। इसी तरह ये संसार में भगवान दिखा रहे हैं कि अगर लोग हेल्प आपसे मांग नहीं रहे हैं, गाइडेंस असिस्टेंस मांग नहीं रहे हैं, और आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो देखेंगे ज्यादातर वो इंटरफेरेंस की तरह देखा जाता है, जिससे रिलेशनशिप क्या है वो स्ट्रेन ऑफ हो जाते हैं। हाँ, तो इसी तरह जो अर्जुन को भगवान ने अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अब इसके आगे भगवान उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। ये तो भगवान ने गीता में भी बताया, चौथे अध्याय में आप देखेंगे भगवान बोलते हैं जो ज्ञान, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था और ये तुम्हें भी दे रहा हूँ। तो अर्जुन सोचते हैं मुझे क्यों दे रहे हैं, मेरे में क्या स्पेशलिटी है, तो भगवान बोलते हैं भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ये तत् उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, तो जब तक हमारा अनलेस वी हैव गुड रिलेशंस विद समवन, अगर हमारे संबंध किसी से बहुत थिक नहीं है और हम उसको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन, तो बैकफायर होगा ज्यादातर। बिना संबंध के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो ज्यादातर बैकफायर होगा। तो किसी का हेल्प हम कब कर सकते हैं, जब वो हेल्प मांगे, और या तो जो संबंध है बहुत डीप हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन ने 2.7 में ही सरेंडर कर दिया था, फिर भी भगवान वेट करते हैं। फिर 2.8 में अर्जुन और क्लियर करते हैं कि ना ही प्रपश्यामि ममा पुनद्या, नथिंग विल वर्क, आई डोंट सी एनी अदर सोल्यूशन आइदर। तो जब अर्जुन इस प्रकार से कंफर्म करते हैं अपने सरेंडर को, तब भगवान प्रहसन एवं भारत, भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं, अर्जुन तो रो रहे हैं, एक रो रहा है एक हंस रहा है, भगवान मुस्कुराते हैं क्योंकि अब रिलेशन चेंज हो रहा है। अभी तक रिलेशन सखा खा था, तो अभी जो फ्रेंड था अब वो डिसाइपल बन रहा है, जो मित्र था अभी वो शिष्य बन रहा है, तो इसलिए मुस्कुराते हैं आचार्य बोलते हैं। दूसरा क्या है, भगवान क्यों मुस्कुराते हैं, तो ऐसा बताया है भगवान की जो स्माइल है ये स्माइल ऑफ एश्योरेंस है। स्माइल ऑफ एश्योरेंस, स्माइल ऑफ एश्योरेंस मीन्स आप देखेंगे नारद मुनि और व्यास के संवाद में, व्यास देव चारों वेद लिखते हैं, वेद के बाद महाभारत लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, उपनिषद लिखते हैं, इतना सारा संकलन करने के बाद फाइनली वो असंतुष्ट रहते हैं। तो नारद मुनि को याद करते हैं, नारद मुनि उनके सामने आते हैं, तो सबसे पहले नारद मुनि वहां पे आते हैं, नारद मुनि स्माइल करते हैं, व्यास देव इतनी टेंशन में है, इतनी एंजाइटी में है, नारद मुनि स्माइल करते हैं। स्माइल क्या है, गुरु का स्माइल या भगवान का स्माइल क्या है, स्माइल ऑफ एश्योरेंस। देवता है, इतनी विपत्ति उन पे है, हिरण्यकशिपु ने दुखी कर रखा है, रावण ने दुखी कर रखा है, वो क्षीर सागर के वहां जाके प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं, जब भगवान आते हैं तो सबसे पहले भगवान स्माइल करते हैं। गंभीर संलक्षणया वाचा, गंभीर भगवान की वाणी है बहुत, सबसे पहले भगवान लेकिन स्माइल करते हैं। तो स्माइल क्या है, स्माइल ऑफ एश्योरेंस। हाँ, एश्योरेंस स्माइल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो भगवान बताते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत आपका कोई प्रॉब्लम है, आप जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, और आप फिर कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर से आपका कांटेक्ट है, जैसे ही आप जाते हैं आप बोलते हैं ये मुझे परेशान कर रहा है, कमिश्नर क्या है, स्माइल करता है, अरे टेंशन मत लो। तो यही भगवान का स्माइल है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम इनसिग्निफिकेंट है, हमारे प्रॉब्लम ही इनसिग्निफिकेंट है। तो दैट इज हाउ इट इज स्माइल ऑफ एश्योरेंस, स्माइल ऑफ कॉन्फिडेंस का ये स्माइल है कि अभी इसके बाद कृष्णा इज गोइंग टू डिलीवर द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ से आगे भगवान जो गीता का ज्ञान है, गीता का जो विजडम है, गीता के जो इंस्ट्रक्शन है वो देने वाले हैं इसके आगे। तो प्रहसन एवं भारत, तो जब भी भगवान आते हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर है, तो हमको लगता है हम अपनी प्रॉब्लम से ओवरवेलम हो जाते हैं, पर हमको लगता है प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते मेरा।
मैं इतना पापी हूँ, हाँ वो भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, चरणामृत का सागर भी मिला मुझे पिला दिया तभी भी मेरे पाप नहीं जाएंगे। हाँ तो ये मतलब दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है। हमको पता होना चाहिए जो भगवान का कैपेसिटी है वो अनंत है, भगवान के जो भी गुण हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, हर गुण का अनंत कैपेसिटी है। जैसे भगवान का एक गुण है भगवान पतित पावन है, तो लेकिन कितने पतित पावन है, कितना पतित होगा जिसको भगवान पावन कर सकते हैं? किसी ने एक मर्डर किया है तो भगवान छुड़ा लेंगे, 10 मर्डर किया है कि छुड़ा लेंगे, 15 मर्डर किया है, हाँ कोई लिमिट नहीं है। भगवान के अनंत गुण हैं और हर गुण का अनंत कैपेसिटी है, ये कितना भी पति तो उसको भगवान पावन कर सकते। ये सो दैट्स हाउ कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हियर दैट हाउ द सिचुएशन इज। कृष्णा यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं कि डोंट वरी, हाँ बहुत ज्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तो जीव का कितना भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम इतना सीरियस नहीं है जिसको भगवान सॉल्व ना कर सके। तो यहाँ से भगवान अभी अगले चैप्टर अगले श्लोक से 2.11 से 30 भगवान इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन नॉलेज ऑफ सोल, और 2.10 में हम देखते हैं इस सेक्शन का मेन थीम है नीड ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर सरेंडरिंग टू अ गुरु। तो यहाँ पे अर्जुन दिखा रहे हैं कि गुरु का आश्रय एक्चुअली वास्तव में कैसे लिया जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में क्राइसिस आता है तभी वो भगवान का ऐसा शरणागत जनरली लेता है। जब तक उसको भौतिक आश्रयों पे निर्भर है वो, उसको लगता है ये मेरी हेल्प कर सकता है, ये मेरी हेल्प कर सकता है, या मेरी अभी नौकरी अच्छी नहीं है, थोड़ा पैकेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा फिर सब अच्छा हो जाएगा। जब तक व्यक्ति ऐसा सोचता है, अभी ना ये मेरा 2 BHK है, एक बार मेरा परमानेंट घर हो जाएगा, 5 BHK 4 BHK हो जाएगा, बंगला हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तब तक वो भगवान का आश्रय सम्यक रूप से नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत सारे आश्रय बना रखे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे दिखा रहे हैं जब व्यक्ति को पता रहता है अपने हृदय में कि ये संसार का कोई भी आश्रय मुझे आश्रय नहीं दे सकता है। भगवान का एक नाम है आश्रय विग्रह, जो आश्रय देने वाले विग्रह हैं, तब वो भगवान का आश्रय ले सकता है। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, प्रभुपाद जी ने वृंदावन में एक पोएम लिखी है, उसका नाम है वृंदावन भजन। तो उस पोएम में प्रभुपाद जी लिखते हैं वेयर आर द रिलेटिव्स, वेयर आर द फैमिली मेंबर्स, वेयर आर द फ्रेंड्स, वेयर आर द बिजनेस पार्टनर्स, इट्स ऑल जस्ट स्ट्रिंग ऑफ नेम्स। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज मैं अकेला हूँ, मैं वृंदावन में हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, कहाँ मेरा परिवार है, कहाँ मेरे पुत्र हैं, कहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, कहाँ मेरे मित्र हैं, ये सब केवल नामों की श्रृंखला है। ये केवल क्या है, नामों की श्रृंखला, जस्ट अ स्ट्रिंग ऑफ नेम। केवल कृष्ण ही हमको आश्रय दे सकते हैं इस संसार में, भगवान के अलावा और कोई भी आश्रय देने में समर्थ नहीं है। और जो भी आश्रय हमको इस संसार में भी मिलता है वो भगवान के ही माध्यम से, तो कृतज्ञता वो भगवान के लिए जब से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कर्ण थे, कर्ण से भगवान स्वयं बोलने आए कि तुमको युद्ध कर क्यों तुम युद्ध में लग रहे हो, तुम युद्ध मत करो युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे तो युद्ध रुक जाएगा, और मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम सबसे ज्येष्ठ हो पांडवों में, हाँ तो तुम राजगद्दी पे बैठोगे, युधिष्ठिर राजा नहीं बनेंगे, तुम राजा बनोगे, और इतना बड़ा युद्ध भी नहीं होगा क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे तुम्हारे पे बहुत बैंक करके युद्ध कर रहा है। तो कर्ण बोलते हैं मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। तो क्यों नहीं छोड़ सकते दुर्योधन को भगवान, और कर्ण को यही कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण को पता है कि ये भगवान है, बोले फिर भी मैं दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन ने विपत्ति में मेरी मदद की है, हाँ दुर्योधन ने विपत्ति में मेरी मदद की है। तो दुर्योधन मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना राज्य था ना कुछ था, दुर्योधन ने मुझे अंग राज बना दिया, हाँ तो दुर्योधन ने विपत्ति में मेरी मदद की है। तो कई बार लोग ये लॉजिक देते हैं कि हम भगवान का आश्रय नहीं ले सकते, हाँ ये संसार में जब उनको कुछ छोड़ना होता है, कुछ कुल धर्म छोड़ना है, कुछ छोड़ना है, हम भगवान का आश्रय नहीं ले सकते संसार में, इसने मेरी इतनी मदद की है, इसने मेरे लिए ये किया। अरे भाई जिसने भी किया है सोर्स तो वही है ना। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि तुमको इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है कि तुम मेरे सामने निर्भय होके खड़े हो। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ना केवलम मे भवतश्च राजन बलम बलिनाम बलिनाम च परेशम, बोलते ना केवलम मैं भवतश्च राजन, अरे केवल मैं नहीं, पावर का तो सोर्स एक ही है सारे लोगों का, वहीं से पावर आ रही है,
इसी तरह कर्ण ने, कर्ण के लिए दुर्योधन ने भी जो भी किया वो वास्तव में किसने अरेंज किया? भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तो होगा नहीं ना कुछ भी, तो भगवान ने ही तो सैंक्शन किया तभी तो वो हुआ। तो एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है अल्टीमेट कॉज। तो अल्टीमेट कॉज हमेशा कृष्ण है, कुछ भी हो रहा है ये व्यक्ति के हृदय में, जब इस संदर्भ में उसको क्लैरिटी रहती है, उसको हृदय में रहता है भगवान की ही कृपा से हो रहा है। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में आप देखेंगे शुद्ध भक्तों की यही विशेषता है, उनको ये क्लैरिटी है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बोलती है आपने हमें बचाया, आपने युद्ध में बचाया, आपने भीम को बचाया, इतने सारी चीजें बोलती हैं, उसमें से 30% जगह भगवान कृष्ण थे ही नहीं। जैसे भीम को जब दुर्योधन ने पॉइजन दिया तो भगवान थे ही नहीं, लेकिन कुंती महारानी बोली आपने बचाया, क्योंकि किसी ने भी बचाया है फाइनली कृष्ण ने ही बचाया, ये सिद्धांत। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद।